हेलो एवरीवन, रिया खुशी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बंद गोभी आलू की मसालेदार सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी और देखने में भी बहुत ही लाजवाब ये दिखती है। मैं इसे वही किचन में मिलने वाले साधारण मसालों के इस्तेमाल से ही बनाऊंगी। बस मसालों के थोड़े से डालने के अंतराल से टेस्ट में अंतर आ जाता है। तो ये देखिए कितनी टेस्टी और सुंदर हमारी यह सब्ज़ी दिख रही है। बिल्कुल ऐसे ही यह बन के तैयार होगी। और बंद गोभी अभी सीज़न में भी है, तो भी फ्रेश बंद गोभी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए, यहाँ मैंने बंद गोभी ले लिया है, फ्रेश बंद गोभी, जिसे मैंने धो के ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। यहाँ मैंने लगभग 500 ग्राम बंद गोभी को ले लिया है और इन्हें हमें फाइन चॉप कर लेना है। एक बड़ा आलू को भी मैंने छील के और बड़े बड़े टुकड़ों में कट के पानी में सोख करके रख लिया है। इन दोनों को हम बॉयल करेंगे और सब बॉयल करने वक्त इसमें हम तेज पत्ता डालेंगे, जिससे कि खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो चलिए इन्हें पहले बॉयल कर लेते हैं। एक सीटी तक इसे हम बॉईल कर लेंगे। अब पकाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में सरसों तेल को हाई हीट पे गर्म कर लिया है और फिर मीडियम फ्लेम पे इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर जैसे ही तेल स्मोक हो जाएगी, इसमें हम हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर देंगे और इसे तड़कने देंगे। फिर साथ में ही एक पिंच के लगभग हींग ऐड कर लेंगे और इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही इनसे खुशबू आने लगेगी, दो बड़े प्याज को, जिसे मैंने लंबे लंबा स्लाइस किया हुआ है, वो ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से मिक्सअप हो चुकी है। बस इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से जीरा और हींग के साथ पहले प्याज को हम भून लेते हैं। जैसे ही प्याज हल्का कलर चेंज करने को होगी, इस वक्त देखिए जैसे कि हल्का इसका कलर चेंज होने वाला, इस वक्त हम इसमें एक तेज पत्ता ऐड कर लेंगे और सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। तेज पत्ता हमने बॉईल करने वक्त भी ऐड किया है। इससे बंद गोभी में जो एक अच्छी सी खुशबू हम चाहते हैं, वो आ जाएगी तेज पत्ता ऐड करने से। तो बस इसे हम बॉईल करने वक्त और ये तड़के के वक्त भी ऐड कर रहे हैं और साथ में फ्राई कर लेते हैं प्याज के। ये देखिए प्याज हमारा हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हुआ है। इस वक्त हम इसमें फाइनली चॉप्ड लहसुन और अदरक और हरी मिर्च, ये सभी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को ऐड कर लिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए कुक करना है। और थोड़ा प्याज और भून जाए, लहसुन अदरक का भी कच्चापन चल जाए, तब तक हम इसे भून लेंगे। फ्लेम मीडियम होगा हमारा। और ये देखिए अदरक लहसुन भी पक चुकी है, इनकी खुशबू चेंज हो चुकी है और प्याज का भी कलर गहरा हो चुका है। तो बस इस वक्त हम अब फ्लेम को लो करेंगे और साथ में टमाटर, जिसे रफली चॉप किया हुआ एक बड़ा टमाटर, लाल टमाटर, हम इसमें ऐड करेंगे और लो फ्लेम पे इसे अच्छे से भूनना है, जिससे कि टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाए और प्याज भी गलना स्टार्ट हो जाएगी। सारे प्याज, लहसुन, टमाटर एकदम एक दूसरे से हिल मिल जाए, तब तक इन्हें हम कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है। देखिए सब कुछ लगभग सॉफ्ट सॉफ्ट से हो चुका है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर लिया है और साथ में ही
धनिया पाउडर 1 बड़ा टेबलस्पून के लगभग ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून के लगभग जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लिया हमने, और बिल्कुल लो फ्लेम पे से हम मिक्स कर लेंगे प्याज टमाटर के साथ। अच्छे से मिक्स कर लेना है, और कलर के लिए लाल मिर्च भी हम ऐड करेंगे। हरी मिर्च भी हमने ऐड किया है, इसको ध्यान रखते हुए लाल मिर्च भी पाउडर ऐड कर लेते हैं। और चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फ्लेम बिल्कुल लो, मसाले बिल्कुल जलने नहीं चाहिए, लो फ्लेम पे ही हमें भून लेते हैं। और ये देखिए मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं, कलर बहुत अच्छा आया। बस 1 टीस्पून या थोड़ा सा 1 घूंट के बराबर हम इसमें पानी डालेंगे, जिससे मसाले और अच्छे से पक जाए और तेल रिलीज कर दे। तो बस इन्हें और 1 मिनट ऐसे हम पका लेते हैं। ये थोड़े लटपटे से हो जाएंगे हमारे सारे मसाले पक के। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है मसालों पे, और ये पक रहे हैं मसाले, तेल हल्का हल्का दिखने लगा है साइड से। ये देखिए मसाले बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है इनका भूनते भूनते, कलर भी इनका चेंज हो चुका है, ये रेडिश ब्राउन कलर पे आ चुके हैं मसाले भूनते भूनते। इस वक्त हम इसमें बॉईल किए हुए बंद गोभी और आलू को हम ऐड कर लेंगे और तेज पत्ता को निकाल लेंगे, और सभी कुछ को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम पे लाएंगे, और बस इन्हें एक बार अच्छे से सब मसालों के साथ बंद गोभी और आलू को मिक्स करना है, जिससे कि सारे मसाले का टेस्ट बंद गोभी और आलू में रच बस जाए। ये देखिए कितना अच्छे से हमने इसे मिक्स करना है, और जो पानी हम बॉयल करने वक्त इस्तेमाल करेंगे उसे हम साथ में पकाएंगे। चलिए इसे कवर कर देते हैं, और फ्लेम को लो टू मीडियम करके 2 से 3 मिनट पकाते हैं, और चलिए फिर से चेक कर लेते हैं इसे। ये देखिए गर्मा गर्म भाप निकल रही है, और बहुत अच्छा कलर आया है, सारे मसाले अच्छे से मिल गए हैं बंद गोभी और आलू के साथ। बंद गोभी तो हमने पहले ही बॉईल कर ली थी, बस इसे मिक्स करना था, फ्लेवर करना था मसालों के साथ, तो जो बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है हमारी सब्जी। अब फाइनली इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे, नमक हमने बॉईल करने वक्त भी ऐड नहीं किया था, ये बात ध्यान में रखेंगे। और नमक ऐड करने के साथ थोड़ा सा ये फिर पानी छोड़ेगी सब्जी, तो आप अपने पसंद के हिसाब से या तो एकदम ड्राई कर ले या लटपटा कर ले, मैं आज लटपटा बनाऊंगी। ये देखिए आलू बहुत अच्छे से पक चुकी है, बंद गोभी तो ऐसी दिख रही है कि पकी पकी सी दिख रही है। अब फाइनली इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करते हैं, और बस एक बार अच्छा से मिक्स कर लेंगे इन सभी चीज़ों को, फ्लेम मीडियम रखेंगे, और ये सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा बना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, फैमिली फ्रेंड से शेयर भी करें। देखिए कितनी सुंदर हमारी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है, और मैं इसे लटपटा रख रही हूँ, आप चाहे तो ड्राई कर ले। ये रोटी पराठे के सब्जी, ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है खाने में। बस फाइनली इस पे हम थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसका खुशबू और एक फ्रेशनेस हमारी सब्जी में ऐड हो जाए। तो इसे भी मिक्स कर लेना है, और 1 मिनट के लिए कवर कर लेंगे, फ्लेम को लो करेंगे, और चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी सब्जी बनके तैयार है।
एक फाइनल मिक्सअप कर देते हैं और फ्लेम को हमें टर्न ऑफ कर देना है। और देखिए कितनी मसालेदार यम्मी टेस्टी हमारी सब्जी बनके तैयार है। इसे आप पराठे पूरी रोटी के साथ इंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले। और यहाँ मैंने इसे प्रेजेंट कर दिया है, तो ऊपर से धनिया पत्ता से गार्निश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड।